हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर, आप लोग को संस्कृत में फर्स्ट चैप्टर वंदना, त्वमेव माता चपिता, त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रवणम, त्वमेव त्वमेव सर्व मम देव देव, इसका भावार्थ भी आप लोग को भेजा गया है। इसको आप पहले फर्स्ट लेसन में फेयर कॉपी कीजिएगा, उसके बाद आपको सेकेंड लेसन जो है सदाचार है इसको पढ़ाया गया है, उसका शब्दार्थ पहले उतार लीजिएगा। शब्दार्थ उतारने के बाद क्वेश्चन आंसर उतारना है। सबसे पहले क्वेश्चन है आप लोग का, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। सज्जना नाम आचारक कथ्यते, इसका मतलब हुआ सज्जन लोगों को व्यवहार को क्या कहते हैं, जो लोग सज्जन हैं उनके आचरण को, उनके व्यवहार को क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में है सदाचार, दूसरा में है दुराचार, तीसरा में है आचार। इसका मतलब होता है कि सज्जन लोग का जो व्यवहार होता है वही सदाचार कहलाता है। तो पहला का आंसर सदाचार होगा। दूसरा है सज्जना का भवंती, सज्जन कौन होते हैं, सज्जन कौन होते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें है ये सद विचारयन्ति, मतलब जो सुंदर विचार रखते हैं। ये सद वदन्ति, मतलब जो सुंदर बोलते हैं। दो अपि सत्यम्, तो यहाँ देखना है सज्जन लोग सुंदर विचार भी रखते हैं और सुंदर बोलते भी हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा दो अपि सत्यम्, मतलब इसका मतलब हुआ दोनों सत्य है, इसलिए इसका ये आंसर होगा, यहाँ टिक लगा हुआ है। तीसरा है मनुष्या नाम किम भूषण, मनुष्य का भूषण क्या है। विनयम दुर्वचनम अनैतिकताम, तो विनयम माने विनय, दुर्वचनम माने बुरा वचन और अनैतिक काम। तो यहाँ मनुष्या नाम किम भूषण, तो इसका आंसर होगा विनयम, मनुष्या नाम विनयम भूषणम। घ है सर्वेशाम जनानाम प्रिय कह भक्ति, सब लोगों का प्रिय कौन होता है। विनय हीन, मतलब जो विनय से हीन है, विनयशील है, जिसका जो विनयशील है। और तीसरा में है दुर्जन, जो दुष्ट है। तो बच्चों सर्वेशाम जनानाम प्रिय कह भक्ति, इसका उत्तर होगा विनयशील, जो सभी लोग का प्रिय होता है वह विनयशील व्यक्ति होता है। नंबर टू में है निम्नलिखित शब्दों से रिक्त स्थान को भरिए। यहाँ देखिए पूरा चार वर्ड है, सदाचारात मतलब अच्छा व्यवहार, सुंदर आचरण, प्रमेयु प्रणाम करना, नियमानाम नियम से, सिस्टम मतलब शिष्ट। तो यहाँ है पालनम एव सदाचार भक्ति, क्या चीज पालन करने से हम सदाचारी बनेंगे। तो नियमानाम पालनम एव सदाचार भक्ति, नियम को पालन करने से हम में सदाचारी होते हैं। उसके बाद है ते व्यवहारम कुर्वन्ती, तो ते सिस्टम व्यवहारम कुर्वन्ती, हमें लोगों को शिष्ट का व्यवहार करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है माता पितरौ च, माता और पिता को प्रणमेयु, माता पिता को हमें प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद घ नंबर में है विनय उद्भवति, विनय से किसका उद्भवति होता है, उद्भव होता है। तो विनय सदाचारात उद्भवति, विनय से सदाचार आती है। नंबर थ्री में है सुमेल कीजिए, मतलब अ और ब का जो कॉलम है इससे आपको मैच करना है, मैचिंग करना है। पहला है ते भोजनम कृत्वा यथा समयम, हम लोग भोजन कर करके यथा समय कहाँ जाते हैं। अन्यपि सद्गुणाः भुक्षन्ति, विद्यालयं गच्छेयुः, मनुष्याणां भूषणं रचनीयः, तो नहीं, यहाँ होगा ते भोजनं कृत्वा यथा समयं विद्यालयं गच्छेयुः, वे सब भोजन करके विद्यालय जाते हैं। विनय ही मनुष्याणां भूषणं, विनय ही मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। सदाचार सर्वदा, सदाचार को हमेशा रक्षणीय, रक्षा करना चाहिए, सदाचार को हमेशा रक्षा करना चाहिए। घ में है सदाचारात विविधा अन्ये अपि सद्गुणाः विकसन्ति, सदाचार से
विविध प्रकार के सद्गुण का विकास होता है। तो बच्चों आज आप लोगों को नंबर 1 में 4 क्वेश्चन, 2 में 4 क्वेश्चन और 3 में 4 क्वेश्चन, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज 1 से लेकर 3 तक करवाया गया है। इसको आप लोग अपने फेयर कॉपी में सुंदर और शुद्ध शुद्ध तरीके से लिखिएगा और आगे का क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पीरियड में इसका आंसर भेजा जाएगा। थैंक यू।